हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज प्रीति तिवारी। मेरे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ लॉन्ग हेयर कट। ये हमेशा अक्सर मतलब ज़्यादा एडवांस लेयर, एडवांस स्टेप, फुल लेयर, मैजिकल हेयर कट, इस टाइप्स की हेयर कट कराती हैं। बट इस बार इन्होंने सिंपल डीप यू एंड फ्रंट बैंग्स हेयर कट कराया है। कैसे किया हेयर कट आपको सब कुछ वीडियो में देखने को मिलेगा। और हाँ, काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आई थी कि मैम आप बाहर जाते हो तो सिंपल मेकअप लुक कैसे बना करते हो, तो मेकअप की वीडियोज मैं अलग से इसलिए नहीं डाल रही हूँ क्योंकि आप लोग मेकअप की वीडियो उतनी ज़्यादा नहीं देखते हो जितना कि आप लोग वैक्सिंग की, हेयर कटिंग की, हेयर कलर की, हेयर स्टाइल्स की वीडियोज आप लोग को पसंद आती है, आप लोग ज़्यादा देखते हो। तो मैंने सोचा कि इसी टाइप्स की वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड की जाए जो आप लोगों को पसंद आती है। तो अगर आप लोग इसके अंदर कुछ और रिक्वेस्ट करते हो तो मैं इसी सब वीडियोस के अंदर ही वो सारी चीज़ें आप लोग को बता दूंगी। तो जैसे कि आप लोग सिंपल मेकअप का रिक्वेस्ट कर रहे हो तो मैं सिंपल मेकअप इस वीडियो के साथ अपलोड कर दे रही हूँ, तो आप लोग को काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। सिंपल मेकअप लुक भी आप लोग को देखने को मिल जाएगा और लॉन्ग हेयर कट कैसे कर रही हूँ वो भी आपको समझ में आ जाएगा। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरा एक और चैनल है इंडियन यूट्यूबर प्रीति तिवारी, जिस पर मैं अपनी ब्लॉग वीडियोज अपलोड करती रहती हूँ। अगर आप लोग को ब्लॉग में इंटरेस्ट हो तो जल्दी से जाइए उस चैनल पे, इंडियन यूट्यूबर प्रीति तिवारी, जिस पर आप लोग को मेरी ब्लॉगिंग वीडियोज देखने को मिल जाएंगी। और हाँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम आपका चैनल मिल नहीं रहा है, तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, वहाँ से आप लोग को आसानी से मेरे चैनल का लिंक मिल जाएगा और आप लोग वहाँ पे जाकर उसको सब्सक्राइब कर पाओगे। तो और हाँ, आप मेरे चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल जाए। और मेरी इंस्टा आईडी है प्रीति_तिवारी24, तो वहाँ पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैं अपनी पिक्स और वीडियोज अपलोड करती रहती हूँ। तो चलिए, बहुत ज़्यादा बातें हो गई, ज़्यादा बातें ना करते वीडियो को स्टार्ट कर लिया जाए। लाइक ज़रूर कीजिएगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हो मेरा ये लुक, मैं इस टाइप का लुक कैसे बनाना है आपको, इस टाइप का सिंपल मेकअप कैसे करना है वो मैं बताने वाली हूँ। ये व्लॉग वीडियो अपलोड हो चुकी है मेरे इंडियन यूट्यूबर प्रीति तिवारी चैनल पे, तो जाकर देखना बिल्कुल भी ना भूलें। मैंने अपने फेस पे यहाँ पे सबसे पहले फेस को क्लिंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग कर लिया है, CTM कर लिया है, उसके बाद से मैं लैक्मे 9 to 5 का प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ। प्राइमर आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग और नेचुरल दिखाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो जब भी आप मेकअप करते हो तो प्राइमर बहुत ज़रूरी है। तो प्राइमर अच्छे से अप्लाई कर लीजिए, जब अच्छे से आप प्राइमर लगा लोगे उसके बाद आपको मेकअप स्टार्ट करना है। तो मैं यहाँ पे अपना मेकअप जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि अभी हमें निकलना भी है, और इस बीच बीच में मेरी बेटी आके मुझे डिस्टर्ब भी कर रही थी कि मम्मा मेरा भी मेकअप कर देना। फिर मैंने यहाँ पर जेल आईलाइनर से अपने आईब्रो को फिल किया है। जेल आईलाइनर से आपका आईब्रो बहुत अच्छे से फील हो जाता है। दूसरा ऑप्शन, आप आई शेडो पैलेट में से ब्लैक कलर का आई शेडो लेके भी अपने आईब्रोज को फील कर सकते हो, बहुत ही अच्छा नेचुरल लुक आता है और अच्छे से फील भी हो जाता है। तो मैं आईब्रो पेंसिल्स के बजाय इन चीज़ों से आईब्रो को फील करने में ज़्यादा मतलब कम्फर्टेबल रहती हूँ, ज़्यादा नेचुरल लुक आता है मुझे। तो आप भी आईब्रो पेंसिल को छोड़कर आप जेल आईलाइनर या फिर आई शेडो पैलेट में से ब्लैक कलर का, ब्राउन कलर का आई शेडो लेके अपनी आईब्रो को फिल करो तो बहुत अच्छा लुक आता है। तो आईब्रो फिल करने के बाद से सेकंड स्टेप होगा मेरा, तो ये मेरे दोनों आईब्रो अच्छे से फिल हो चुका है। इसके बाद से मैं यहाँ पे मैक का कंसीलर ले रही हूँ, इसको मैं अपनी आईज पे लगाऊंगी। मेरी आईज थोड़ी सी डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है मुझे, तो मैं अपने आईज पे अप्लाई कर ले रही हूँ। जहाँ पर भी डार्कनेस है आपके फेस पे, मतलब स्पॉट्स है, वहाँ पे आप कंसीलर अप्लाई कर सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा स्पॉट्स है तो आप कलर करेक्टर या फिर ऑरेंज कलर का जो आता है आप पेंस्टिक पैलेट में कंसीलर पैलेट, वो आप अप्लाई करके उसके बाद से फाउंडेशन कंसीलर लगाओ तो आपके स्पॉट्स अच्छे से हाइड हो जाते हैं। जब भी आप ब्यूटी ब्लेंडर यूज करते हो तो ब्यूटी ब्लेंडर को अच्छे से पानी में गीला कर लीजिए, सारा पानी निचोड़ दीजिए, उसके बाद से अपना मेकअप सेट कीजिए, मतलब ब्लेंड कीजिए, तो बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है। ओके, तो मैं अच्छे से अपना यहाँ पे कंसीलर मैंने ब्लेंड कर लिया है, मेरा आईज और फेस का कलर ऑलमोस्ट सेम हो चुका है। अभी मैं लैक्मे 9 to 5 का फाउंडेशन लूँगी और पूरे फेस पर अप्लाई करूँगी और उसको भी ब्यूटी ब्लेंडर से ही ब्लेंड करूँगी अच्छे से। जहाँ भी आपको अच्छे से ब्लेंड नहीं हुआ वहाँ पे अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए, क्योंकि ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है मेकअप में। उसके बाद लैक्मे 9 to 5 कॉम्पैक्ट पाउडर से मैं अपने मेकअप मतलब कंसीलर एंड फाउंडेशन को सेट कर लूँगी। ओके,
तो पाउडर लगाने के बाद से मैं क्या करूँगी, यहाँ पे जितना प्रोडक्ट आप फेस पे अप्लाई करते हो गर्दन पे भी ज़रूर अप्लाई कीजिए, तो आपके फेस और गर्दन का कलर सेम नहीं दिखेगा। तो मेकअप को सेट करने के बाद से मैं यहाँ पे ब्लशर लूँगी और अपने फेस पे अप्लाई करूँगी। मैंने यहाँ पे अपना हुडा ब्यूटी का मेकअप ब्रश निकाल लिया है और यहाँ पे ब्लशर मैं यूसिस ब्यूटी का अप्लाई कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा ब्लशर है, आप भी इसको यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे पिंक वाला ब्लश यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि पिंक वाला रात में थोड़ा ठीक लगता है, ज़्यादा रेडनेस अच्छी नहीं लगती फेस पे, तो मैं पिंक वाला यहाँ पे स्किप कर रही हूँ। अगर रात का मेकअप कर रहे हो तो आप हल्का सा पिंक कलर का ब्लश लगा सकते हो, बट मुझे ये दिन में मेकअप चाहिए तो मैं यहाँ पे पिंक कलर का मैंने कुछ नहीं लगाया अपने फेस पे। उसके बाद मैं स्विस ब्यूटी का ही यहाँ पे हाइलाइटर अप्लाई करूँगी अपने फेस पर। मैंने यहाँ पे एक गलती की है, मैंने आई मेकअप यहाँ पे बाद में किया है, लेकिन आप आई मेकअप सबसे पहले करें क्योंकि आई में से जो मेकअप करते वक्त जो प्रोडक्ट फेस पे गिरते हैं तो वो आपका मेकअप पूरा ख़राब कर सकते हैं, इसलिए आप बाद में आई मेकअप कर लोगे, उसके बाद आपके फेस पे कुछ गिरता भी है तो आप वो ईजिली रिमूव कर सकते हो, इसलिए आप पहले आई मेकअप कंप्लीट कर लो उसके बाद ही फेस का मेकअप कीजिएगा। बट मुझे यहाँ पे जल्दी जल्दी जाना था, लेट हो रहा था, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी जो समझ में आया फटाफट मैंने कर लिया था। उसके बाद से मैंने हिमालय का लिप बाम लगाया, उसके बाद मैंने लिप्स को इस तरीके से कट किया। मुझे अपना लिप्स इस तरीके से कट करना बहुत ही पसंद है और बहुत ही अच्छा लुक लगता है मुझे इस तरीके से। मैंने कितनी अपनी ब्राइडल्स को भी इस तरीके से लिप्स कट करके मेकअप करते टाइम किया है, तो उन लोग को भी काफ़ी पसंद आया है। ये मेरी बेटी बीच बीच में आके कुछ कुछ पूछ रही थी तो वो मैं बताने लग जा रही थी, तो उसको इग्नोर कीजिएगा। अब मैं सेम इसी कलर का लिपस्टिक अप्लाई करूँगी। लिपस्टिक यहाँ पे है स्विस ब्यूटी का ही लिपस्टिक है। स्विस ब्यूटी के सारे प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग हैं और आपको अच्छे प्राइस में भी मिल जाते हैं, वाटरप्रूफ हैं, बहुत ही अच्छे हैं। तो आप चाहो तो स्विस ब्यूटी के प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हो। लैक्मे 925 के प्रोडक्ट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। पहले इसका काजल मुझे पसंद नहीं था लैक्मे 925 का, बट अभी इसका लाइनर भी अच्छा नहीं आ रहा है तो मुझे लाइनर भी चेंज करना पड़ेगा लग रहा है। उसके बाद से मैंने आई शेडो पैलेट में से ब्लैक कलर का आई शेडो लिया है और अपने इस तरीके से आईज पे अप्लाई कर रही हूँ। ओके, दोनों आईज पे थोड़ा सा स्मोकी का आई लुक अच्छा लगता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर यूज किया है। फ्रंट में मैंने सिल्वर कलर का आई शेडो अप्लाई किया है, ज़्यादा मतलब कुछ कलर अप्लाई नहीं किया, बस सिंपल सा ही लुक चाहिए था, सिंपल सा स्मोकी सा आई मेकअप लुक चाहिए था, तो मैंने इस तरीके से लगाया है। फिर से ब्लैक कलर का आई शेडो मैं अपने आउटर कॉर्नर पे अप्लाई कर रही हूँ, थोड़ा सा डार्क जब तक ना हो जाए तब तक मैं इसको अप्लाई करूँगी। ये मेरी बेटी जीन्स ले आई थी कि मम्मा ये वाला जीन्स पहन लूँ, मैं बोली हाँ ठीक है पहन लो। ये वाला ब्लॉग, शादी वाला ब्लॉग मेरे इंडियन यूट्यूबर प्रीति तिवारी चैनल पे चला जा चुका है, तो जाके ज़रूर देखिएगा। उसके बाद से मैं थोड़ा सा ब्लश लेके यहाँ पे अपने आईब्रोज के नीचे अप्लाई करूँगी। अभी मैं लैक्मे 925 का मस्कारा और लाइनर अप्लाई करूँगी इस तरीके से। गाइज, इंडियन यूट्यूबर प्रीति तिवारी चैनल को सपोर्ट कीजिए, मुझे आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, और इस चैनल को भी कीजिए, जल्दी जल्दी ग्रो करवा दीजिए। तो ये मैंने मस्कारा अप्लाई कर लिया है, लाइनर भी अप्लाई कर लिया, अपने काजल लगा लूँगी, लिपस्टिक, बिंदी, सिंदूर, ये सब लगा के मैं अपना फाइनल लुक आप लोग को अभी दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पे फॉल्स आईलैशेज नहीं लगाए हैं क्योंकि मुझे लंबे टाइम तक ये मेकअप रखना था। उसके वजह से मैंने हुडा ब्यूटी का मेकअप फिक्सर लिया और पूरे मेकअप को इस तरीके से फिक्स कर लिया है। बहुत ही अच्छा नेचुरल सा लुक आता है, इस तरीके से आप मेकअप कर सकते हो। अगर दुल्हन की भाभी बहनें हैं, पार्टी में जा रहे हो, शादी में जा रहे हो, सिंपल मेकअप लुक चाहिए, डे पार्टी मेकअप है, दिन के लिए कोई मेकअप लुक चाहते हो तो आप इस तरीके से कर सकते हो। ये मेरा फाइनल लुक था, आई होप आप लोग को पसंद आया हो। तो चलिए अभी हेयर कट स्टार्ट करेंगे। इंस्टा आई डी प्रीत तिवारी 24 है, तो जाके फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। तो ये देख सकते हो आप, इनके हेयर की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और बहुत अच्छे बाल हैं इनके, स्ट्रेट, शाइनिंग, सॉफ्ट, सिल्की। तो इस टाइप के हेयर आपको भी चाहिए तो आप अपना हेयर रूटीन में
हेयर कंडीशनर एंड सीरम जरूर अप्लाई कीजिए। उसको रेगुलर तौर पे यूज़ करोगे तो आपके भी हेयर मैनेजेबल दिखने लग जाएंगे। आप मेरे लुक को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा कस्टमर आए थे और मैंने कंघी भी नहीं की है बालों में, और इसी तरीके से मैं लगी हुई थी अपने काम में। और जो हेयर कट वगैरह आता था तो मैंने सोचा कि अपना वीडियो ले लिया जाए। और हेयर कट की वीडियोस तो मैं छोड़ भी नहीं सकती क्योंकि आप लोगों को हेयर कट की वीडियोस बहुत पसंद है, फिर भी बहुत कई बार भीड़ हो जाती है तो मुझे वीडियो नहीं ले पाती हूँ, तो वो रह जाता है। तो अच्छे से बालों को गीला करेंगे और सुलझाएंगे। इस टाइप के बालों की जो क्वालिटी हो उसको सुलझाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और अच्छे से मैनेज होते हैं और सुलझ जाते हैं। उसके बाद से बीच की मांग निकालेंगे जो कि पहले से इनकी निकली हुई थी बीच की मांग, तो मुझे निकालनी नहीं पड़ी, बस मैं कॉम कर ले रही हूँ अच्छे से। और यहाँ पे डीप यू कट करेंगे, उसके लिए आपको गाइडलाइन लेनी होगी, तो गाइडलाइन मुझे पहले से ही यहाँ पे इनकी कटी हुई थी, नहीं हो तो आप कट कर सकते हो। बहुत सारी वीडियो में मैंने बताया है कि आपको गाइडलाइन कैसे लेना है। तो ये देखिए दोनों साइड से ऊपर का जो शोल्डर लेंथ है वहाँ से मुझे गोलाई देनी है पूरे बालों में इनके। यहाँ से पहले इनकी लेंथ निकाल देंगे जितनी, मतलब ख़राब हो चुके थे हेयर उसको मैंने कट कर दिया है। उसके बाद से इनके बालों में गोलाई देंगे। गोलाई देने के लिए जो हमारा ये गाइडलाइन है शोल्डर के पास जो हेयर कटे हुए हैं यहाँ से इस तरीके से कट करेंगे। ओके, सेम इसी तरीके से दूसरी साइड से भी कट करेंगे। जो सबसे छोटा वाला लेयर है यहाँ से स्टार्ट करेंगे कटिंग। ओके, और जब तक आपको परफेक्ट फिनिशिंग ना मिल जाए तब तक आपको कट करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। दूसरी साइड का गोलाई काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इधर का थोड़ा सा कम लग रहा है तो इधर का हम लोग और कट करेंगे। ओके, तो जब तक आपको फिनिशिंग कटिंग ना मिल जाए, अच्छे से लुक लगे कि हाँ अभी परफेक्ट है, तब तक आपको कट करते ही रहना है। तो फिर से मैं रीचेक करूँगी बालों को, और ये लगभग हमारा फाइनल लुक था। फिर भी थोड़ा सा कट फ्रंट से कुछ इस तरीके से लेयर कट करेंगे। इस तरीके से बालों को आप पार्टिंग करेंगे। ओके, इधर से भी और दूसरी साइड से भी सेम इसी तरीके से लेंगे। इनको ना तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट बैंक्स चाहिए ना ही बहुत ज़्यादा लॉन्ग चाहिए, तो मीडियम लेंथ के लिए हम इनके नोच के पास से बैंक्स कट करेंगे। ओके, तो ये कट हो चुके हैं हेयर इनके। और ये था इनका फाइनल लुक। कैसा लगा आप लोग को जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, प्लीज सपोर्ट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छे से समझ में आया होगा हेयर कट भी और मेकअप भी। वीडियो अच्छी लगी हो और मेकअप अच्छे से समझ में आया हो, हेयर कट भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इंडियन यूट्यूबर प्रीति वाले चैनल पर जरूर जाइए और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए वहाँ पर भी, ताकि और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ मैं आप लोग के लिए लेकर आ पाऊँ। तो और हाँ, इंस्टाग्राम आईडी है PreetiBhai24। अगर अभी तक आप लोगों ने फॉलो नहीं किया तो जाके जल्दी से फॉलो कर दो, क्योंकि वहाँ पर मैं अपनी रील्स वीडियो एंड पिक्स वगैरह अपलोड करती रहती हूँ। तो जरूर जाइएगा और चेकआउट जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो का। हाँ, ख्याल रखिए, मुझे सपोर्ट कीजिए और प्लीज़ इंडियन यूट्यूबर प्रीति वाई चैनल को भी जरूर देखिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक के थ्रू जाके आप लोग चैनल आपको आसानी से मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो का। हाँ, ख्याल रखिए, मुझे सपोर्ट कीजिए प्लीज़, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा जरूरत है।